Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to learn a poem of 10th standard SSC board, Animals. So let us first see about the poet, Walt Whitman. Unka duration given hai yahan par, 1819 to 1892. A major figure in early American poetry. Ek bahut hi manave person the wo American poetry mein. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrought a revolutionary new kind of poetry in free verse. तो जब ऐसी एज चल रही थी जहाँ पर सारी जो poems हैं वो एक rhymed way में एक proper आप कह सकते हैं metric में या फिर एक proper way में लिखी जा रही थी जिसमें rhymes थी rhyming schemes थी तो उस टाइम पर विटमैन ने क्या किया एक ब्रेक लिया ब्रेक किया ब्रेक इन द सेंस आप कह सकते हैं ना कि किस चीज़ को तोड़ देना किसी चलती हुई एक कह सकते हैं वन बाय वन जो जनरेशन चल रही है जो सेम चीज़ चल रही है उसको आप ब्रेक कर दो ओके सो उन्होंने भी सेम चीज़ करी उनने क्या ब्रेक किया उन्होंने ये जो वे था पोइट्री का जो वर्स जो इस तरह से लिखा आ रहा था कि राइम स्कीम होनी चाहिए राइम होना चाहिए मैट्रिक्स होना चाहिए तो इन चीज़ की चेन को उन्होंने क्या किया ब्रेक किया एक ट्रेडिशन से और उन्होंने क्या किया एक न्यू काइंड ऑफ पोएट्री उन्होंने इंट्रोड्यूस करी जो फ्री वर्स में थी ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ वो किसी की बात मानने वाले ऐसे नहीं थे कि किसी ने बोल दिया तो मान लिया वो सोचते थे वो ब्लाइंड फेथ नहीं करते थे किसी चीज़ को और ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करते थे और इवन उनकी सोशल लाइफ में भी सेम थे वो द पोएट टेल टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस तो उनके हिसाब से वो एनिमल से ज़्यादा अटैच थे रादर देन ह्यूमन वॉट ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स और जो भी उनका ऐसा लगता था ये गलत है तो उसके खिलाफ वो ज़रूर बोलते थे सो लेट्स बिगिन द पोएम एनिमल्स आई थिंक आई कुड टर्न And live with animals, they are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So वो बोल रहे हैं कि काश मीन्स वो सोचते हैं कि आई थिंक क्या सोचते हैं वो कि वो खुद एनिमल्स की तरह हो जाए या एनिमल की तरह इन द सेंस उनके साथ जीने लगे उनके साथ उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है उनकी तरह उनको लाइफ स्पेंड करनी है दे आर सो प्लेसिड प्लेसिड मीन्स पीसफुल कोई एकदम से अपसेट नहीं हो जाते ऑब्वियसली अगर होते भी है तो हम नहीं जानते बट अकॉर्डिंग टू अस इट इज़ लाइक ठीक है वो अपनी लाइफ जी रहे हैं ओके सेल्फ कंटेंड है वो सफिशिएंट मीन्स अपने आप में सेटिस्फाइड है उनके पास जो है वो उससे सेटिस्फाइड है सो पोएट कह रहे हैं कि काश मैं भी इन एनिमल्स की तरह हो जाऊं उनके साथ रहना स्टार्ट करूं उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं और ऐसा क्यों क्योंकि वो प्लेसेड हैं वो कोई अपसेट नहीं होते एकदम से वो पीस में रहना जानते हैं वो कैसे शांति से रहते हैं और वो अपने आप में सेटिस्फाइड है सेल्फ सफिशिएंट है वो आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग मैं खड़ा होता हूँ और उनको देखता ही रहता हूँ काफ़ी देर तक उनको देखता हूँ उनको ऑब्जर्व करता हूँ They do not sweat and whine about their condition. Sweat in the sense होता है जैसे हम जो normal word use करते हैं sweat means हमारा जब पसीना आता है तो sweating होती है sweat. तो कभी उनके लिए इस चीज़ नहीं उन वो कभी भी अपनी condition को लेकर दुखी नहीं होते हैं कभी रोते नहीं हैं कभी अपने expressions को आप कह सकते हैं कि अपनी problems को share नहीं करते हैं वो They do not lie awake in the dark and weep for their sins. वो कभी भी dark मीन्स अंधेरे में ऐसे नहीं कि लेटे हुए हैं या अपनी बातों को सोच रहे हैं या अपनी बातों अपने जो लाइफ है जो उनने पाप किया या कुछ अच्छा किया बुरा किया उस बात को लेकर रो रहे हैं उनको कभी इस तरह से नहीं देखा पोइट ने They do not make me sick discussing their duty to God. और ना ही वो ये मीन्स बार बार अपने आप की तारीफ नहीं करते हैं कि वो हमारी क्या ड्यूटी है गॉड के प्रति हमें क्या करना है गॉड के लिए पूरे टाइम
वो अपनी ड्यूटी नहीं, मीन्स वो करते होंगे उनकी ड्यूटी नो डाउट, लेकिन उसके लिए वो बोलते नहीं हैं, वो कभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं। और मेगनेस सिकमेंस उसको परेशान नहीं करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, राइट, और कुछ बोलते ही जाते हैं कि मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है, मुझे चाहे वो काम करे ना करे, पर वो बोलेंगे ज़रूर कि मुझे भगवान के लिए ये काम करना है, चाहे वो भगवान में, ठीक है, वो विश्वास करते हैं नो डाउट, लेकिन कई बार ऐसा होता है दिल से नहीं कर रहे होते कुछ काम, तो ऐसे लोग उसको परेशान करते हैं पोइट को। तो पोइट बोलते हैं कि मैंने कभी भी एनिमल्स को ये डिस्कस करते हुए नहीं देखा कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका वर्क क्या है, और इस कारण से मैं कभी उनसे परेशान भी नहीं हुआ। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, ना ही कोई भी डिससेटिस्फाइड है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स मैड, डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मैनिया मीन्स क्रेज, हम बोलते हैं ना उसको एकदम क्रेज है उस चीज़ को पाने का, उसकी इतनी ज़्यादा इच्छा है कुछ भी गोल को अचीव करने का, तो उनका ऐसा कुछ नहीं, वो पागल नहीं है अपने गोल के पीछे, वो उनकी लाइफ शांति से जी रहे हैं, सेटिस्फैक्शन से जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लाइफ पूरे सेटिस्फैक्शन से लीव कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ वॉट द पोएट टोल्ड। नाउ लेट अस सी वॉट एल्स ही सेइंग। नॉट वन नीड्स टू अनादर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो कहते हैं कि मैंने किसी एनिमल को ऐसा नहीं देखा को, कोई अपने नील डाउन कहते हैं ना कि पैरों पर झुकना, घुटनों पर बैठना, झुकना किसी के आगे। सो कहते हैं कि मैंने कभी किसी एनिमल को ऐसे नील डाउन करके झुकते हुए नहीं देखा, और ना ही वो कभी अपने जो पहले रह चुके, उनकी काइंड के कोई पहले रह चुके एनिमल्स के सामने झुक रहे हैं या उनकी बात मान, उनकी हाँ में हाँ कर रहे हैं, तो मैंने उनको ये चीज़ नहीं देखा, ये करते हुए नहीं देखा। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मीन्स ना ही वो किसी के सामने झुकते हैं और ना ही वो अपने ऐसी एनिमल के आगे झुकते हैं जो काफ़ी साल पहले रहते थे, मीन्स हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज, तो उन्होंने कभी भी एनिमल्स को अपने फोर फादर्स के सामने झुकते हुए नहीं देखा। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, ना ही किसी एक की कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और ना ही कोई एक पूरी तरह अनहैप्पी है इस दुनिया से, वो अपने आप में खुश हैं, अपने आप में सेटिस्फाइड हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और वो मुझसे एक रिलेशन बनाते हैं और मैं उस रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स मीन्स यहाँ पर जो टोकन का मीनिंग है वर्चू है, मीन्स गुण है, लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट, एक इनोसेंट पर्सन होता है ना, तो वो अपनी इनोसेंस के जो गुण हैं वो उसके पास ले जाते हैं, मीन्स वो उस पोएट को भी उनकी तरह ही फील होता है कि मैं भी इनकी तरह हूँ, सिंपल हूँ, हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, एविंस मीन्स शो करना, दिखाना, तो उनके जो वर्चूज़ हैं, जो उनके गुण हैं, वो सिंपल वे में, प्लेन वे में वो दिखाते हैं, दिखाते इन द सेंस उसके बारे में बोलते नहीं हैं, वो अपने आप दिख जाता है। किसी में ऐसे कुछ गुण होते हैं जो पर्सन को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, वो ऑटोमेटिकली विजिबल होता है, फील हो जाता है। तो द सेम थिंग द पोएट इज सेइंग दैट वो शो करते हैं बट वो प्लेनली दिखता है, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं, वो तो खैर बोल तो सकते नहीं एनिमल्स, राइट, सो वो क्लियरली विजिबल हैं उनके जो वर्च्यूज़ हैं, और वो वर्च्यूज़ वो पोएट के पास लेके जाते हैं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मीन्स पोएट भी इसी तरह है, इनोसेंट है, अपने आप में सिंपल है, कंटेंटमेंट मीन्स हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, तो वो यही सारे गुण वो एनिमल्स भी पोएट के पास ले जाते हैं। जो पोएट के गुण हैं वही एनिमल्स भी लेके जा रहे हैं उसके पास। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, सोच रहा है कि कहाँ से लाते हैं ये, कहाँ से मिलती इनको ऐसी सिंप्लिसिटी, कहाँ से मिलती इनको ऐसी इनोसेंस, ऐसी मासूमियत। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने उस चीज़ को बहुत टाइम पहले जिया था इस लाइफ को,
एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और गलती से मैंने इन अच्छे वर्च्यूज़ को कहीं गिरा दिया, नेग्लिजेंटली मीन्स आप कह सकते इग्नोर वे में. सो द पोएट इज सेइंग दैट क्या इतनी अच्छी चीज़ें, एक जो इनोसेंट होता है पर्सन, एक सिंप्लिसिटी होती है, कंटेंटमेंट होता है, तो क्या वो सारे गुण जो वो मेरे पास वापस से लेकर आ रहे हैं, क्या मैंने उनको बहुत टाइम पहले कहीं गिरा दिया गलती से, क्या वो मुझसे गिर गए हैं, जो वो अच्छी चीज़ें वो एनिमल्स की अब उनको दिख रही है. सो इन शॉर्ट इफ आई टेल यू जो थीम है वो पोइट का, यहाँ पर जो पोइट्री में जो थीम है वो ये है कि पोइट कह रहे हैं कि जिस तरह से सिंपल एनिमल्स होते हैं, जिस तरह से वो इनोसेंट होते हैं, कंटेंटमेंट होता है उनमें, जिस तरह से वो सेटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ कंटेंड होते हैं, तो क्यों हम उनकी तरह नहीं बिहेव करते. वो भी तो अपना काम करते हैं, वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, वो कभी किसी के सामने अपनी तारीफ़ें नहीं करते, वो कभी अनहैप्पी नहीं होते, वो अपनी लाइफ आराम से जीते हैं, उनके हिसाब से वो जीते हैं, और उनके थ्रू कोई गलत काम मीन्स ऐसा कुछ नहीं कि कहीं कुछ हम कहते हैं ना किसी से किसी को हेट है तो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो ऐसा कुछ एनिमल्स में नहीं देखा पोएट ने. सो आई होप टुडेज़ पोएम इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.